अस्सलाम वालेकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर नदीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ज़हनी दबाव को कंट्रोल करने के लिए चौथा तरीकाकार कौन सा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। चलिए तो बात स्टार्ट करते हैं कि ज़हनी दबाव को कंट्रोल करने के लिए चौथा तरीकाकार कौन सा है। सबसे पहले आप लोगों ने सिंपली ये काम करना है कि जो मसला पेश आया है इस मसले के हल के लिए एक लिस्ट बनाएं। जब तक आप लोग इस मसले के हल के मुतालिक नहीं सोचेंगे या इसको हल करने के लिए कोई लाया अमल नहीं अपनाएंगे उस वक्त तक आप लोग ज़हनी दबाव से बाहर नहीं आएंगे। इस बात को लाजमी नोट करें, जो मसले के हल के लिए लिस्ट बनाएंगे उस लिस्ट में उन लोगों को लाजमी शामिल करें जो आपके मसले के हल में मदद कर सकते हैं। फिर उन लोगों को अपने मसले के हल के लिए वन बाय वन करके बातचीत करें ताकि कोई ना कोई मसले का हल निकल सके। लिस्ट में ये भी नोट करें कि जो आपका मसला है उसको हल करने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें और तकसीम करने के बाद जितनी भी कैटेगरी बनेंगी इन कैटेगरी पर मुकम्मल फोकस करके अमल करना है। जाहिर है जो लिस्ट मसले के हल के लिए बनाई है इसमें वाज़ह तौर पर देखा जा सकेगा कि कौन से लोग आपके मसले के हल के लिए मददगार साबित होंगे और कौन से लोग इस मसले के हल के लिए मज़ीद नुकसानदेह साबित होंगे। मसाइल के हल के लिए लिस्ट बनाने का मकसद यही है कि आपको सोचने का वक़्त मिल जाए, ज़हनी दबाव को कंट्रोल करने में मदद मिल सके। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मैं ऐसे ही होम्योपैथिक मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा।